हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल वंदना खाना खजाना। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी नवरत्न पुलाव बनाने की रेसिपी, जो कि बहुत ही यूनिक है और टेस्टी तो इतनी होती है, आप एक बार बना लेंगे तो बार बार इसे बनाना चाहेंगे। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं नवरत्न पुलाव। तो पहले तो हम मिल लेते हैं पुलाव के नवरत्नों से। ये है बेबी कॉर्न, दो बेबी कॉर्न है, इसको हमने काट लिया है। हाफ कप ब्रोकली, एक कप पनीर, 1/4 कप बीन्स, 1/4 कप गाजर, इन सबको छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है। गोभी, एक कप गोभी, किशमिश है 10 से 12 किशमिश, काजू 15 से 20 काजू और बादाम भी 15 से 20 बादाम है। इन सबको हमें पहले फ्राई करना है। अब हम पुलाव बनाने का प्रोसेस शुरू करते हैं। इसके लिए सबसे पहले मैंने ढेर सारा पानी गर्म कर लिया है। इसमें एक चम्मच हमने डाल दिया ऑयल और एक कप इसमें हम डालेंगे बासमती राइस। तो चावल को मैंने पहले अच्छे से धो के आधे घंटे के लिए भिंगा दिया था, उसके बाद इसे छानकर इसमें हमने डाल दिया। अब इसमें हमने डाल दिया एक चम्मच नमक। अब चावल को इसमें हमें 95% तक कुक करना है। अब 7 से 8 मिनट हो गए हैं चावल को पकते हुए। चावल बिल्कुल भी फूलकर आप देख सकते हैं डबल हो गए हैं और ये अच्छे से पक गए हैं। मैं इसे तोड़ के दिखा देती हूँ, तो आसानी से ये टूट रहे हैं और बिल्कुल भी ओवर कुक नहीं हुए हैं। बस इसी स्टेज पे हमें गैस को बंद कर देना है और चावल को छान लेना है। अब एक बड़ा सा पतीला मैंने ले लिया, उसके ऊपर रख दिया मैंने छन्नी और चावल को इसमें हमें छान लेना है। अब सारे चावल को मैंने इसमें छान लिया, चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। अब गैस पर मैंने एक पैन चढ़ा लिया, इसमें डालेंगे हम लगभग 4 चम्मच ऑयल और सारे ड्राई फ्रूट्स और वेजिटेबल को हमें इसमें फ्राई करना है। तो पहले ऑयल को थोड़ा गर्म हो जाने देंगे। ऑयल अब गर्म हो गया तो इसमें हम पहले ड्राई फ्रूट्स को फ्राई कर लेते हैं। पहले हम फ्राई करेंगे बादाम। सारे ड्राई फ्रूट्स जो होते हैं वो पकने के अलग अलग सबके टाइम होते हैं, तो एक साथ सबको फ्राई नहीं करेंगे, कोई जल्दी फ्राई हो जाते हैं और किसी में थोड़ा टाइम लगता है, इसलिए मुझे अलग अलग करना पड़ेगा। तो बादाम अब फ्राई हो गए, बहुत ज्यादा हमें लाल इसे नहीं करना है, बस हल्का सा इसमें कलर आ जाए इतना ही करना है। तो बादाम को निकाल लेते हैं। अब इसे ऑयल में हम डाल देंगे काजू, इसे भी हम हल्का सा फ्राई करना है, बिल्कुल हल्का पिंक होना चाहिए, बहुत ज्यादा लाल नहीं करेंगे। तो थोड़ा सा फ्राई करके इन्हें भी निकाल लेंगे। आप देख सकते हैं काजू भी अच्छे से पिंक हो गए हैं, तो इसे भी हम निकाल लेते हैं। काजू बहुत जल्दी हो जाते हैं। अब फ्राई करेंगे किशमिश। किशमिश बहुत जल्दी फ्राई हो जाती है, डालते ही फूल जाती है, इसे बहुत ज्यादा लाल नहीं करना है, बस डालकर थोड़ी देर से फ्राई करके इसे निकाल लेना है। अब इसी ऑयल में हम सारे वेजिटेबल्स को फ्राई करेंगे। तो सबसे पहले हम फ्राई करेंगे पनीर। पनीर को आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे पीसेस में काटा है और इन्हें हल्के हाथों से फ्राई करना है, क्योंकि पनीर बहुत जल्दी टूट जाते हैं, तो ये देख के ही आपको फ्राई करना है और बहुत ज्यादा इसे लाल नहीं करना है, बस थोड़ा इसमें कलर आ जाए इतना ही हमें करना है, फिर इसे निकाल लेना है। आप देख सकते हैं पनीर में हल्का कलर आ गया, बस इतना ही हमें फ्राई करना है और पनीर को हमें निकाल लेना है। अब इसमें फ्राई कर लेंगे बेबी कॉर्न। तो ऐसे ही छोटे छोटे पीसेस में ही आपको काटना है, तो बहुत जल्दी ये भी फ्राई हो जाएगा, बस थोड़ी देर से फ्राई करके हम निकाल लेते हैं। अब इसमें भी थोड़ा कलर आ गया तो ये अच्छे से फ्राई हो गए हैं, इन्हें भी हम निकाल लेते हैं। अब हम फ्राई करेंगे गाजर और बीन्स, दोनों को एक साथ ही हम फ्राई कर लेंगे, क्योंकि दोनों के पकने का टाइम जो होता है वो सेम ही होता है, इसलिए हम दोनों को एक साथ फ्राई कर लेते हैं।
ये भी बहुत जल्दी फ्राई हो जाएंगे क्योंकि बिल्कुल ही छोटे छोटे टुकड़े में कटे हैं। तो अब गाजर और बीन्स भी अच्छे से फ्राई हो गए, इन्हें हम निकाल लेते हैं। अब हम फ्राई करेंगे ब्रोकली और गोभी, दोनों को एक साथ ही फ्राई कर लेंगे। आप चाहिए तो सब्जियों को ज्यादा ऑयल में डीप फ्राई भी कर सकते हैं, या चाहिए तो मेरी तरह कम ऑयल में भी इसे फ्राई कर सकते हैं। ये आसानी से सब्जियां गल जाती हैं और अच्छे से फ्राई हो जाती हैं। तो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे डीप फ्राई करना चाहते हैं या मेरी तरह कम ऑयल में इसे फ्राई करना चाहते हैं। अब गोभी भी मेरी अच्छे से फ्राई हो गई है, बिल्कुल ही गल गई है। तो बस इसी स्टेज पे हमें गोभी को भी निकाल लेना है। अब सारी सब्जियां और ड्राई फ्रूट्स फ्राई हो गए हैं, तो चलते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ। तो गैस पर अब चढ़ा लेंगे एक बड़ा सा पैन। पैन में हम डालेंगे एक चम्मच ऑयल और इसमें डालेंगे एक चम्मच देसी घी। घी को थोड़ा पिघल जाने देंगे। अब इसमें डालेंगे एक चम्मच जीरा, एक तेज पत्ता, पांच लौंग, पांच छोटी इलायची। इन सबको थोड़ी देर तक हमें भून लेना है। अब इस पर हम डाल देंगे बॉईल किए हुए चावल। सारे चावल को अच्छे से हमें नीचे पहले फैला देना है। अब सारे चावल को डालने के बाद इस पर हम डालेंगे एक चम्मच नमक। नमक को फैला के डालना, एक ही जगह नहीं डालना है। नमक आप अपने टेस्ट के हिसाब से थोड़ा कम या ज्यादा कर सकते हैं। नमक डालने के बाद चावल को हमें एक बार मिक्स कर लेना है। हल्के हाथों से इसे हम ऊपर नीचे ऐसे मिक्स कर लेंगे जिससे कि नमक इवेनली चावल में मिल जाए। अब इस पर डालेंगे वेजिटेबल्स जो हमने फ्राई करके रखे हैं। सारे वेजिटेबल्स को इस पर हमें डाल देना है। वेजिटेबल्स के बाद इस पे हमें डाल देना है फ्राई किए हुए ड्राई फ्रूट्स, काजू, बादाम और किशमिश। इसके बाद इस पे थोड़ा सा लगभग 2 पिंच नमक स्प्रिंकल कर देंगे और इसे ढककर स्लो गैस पे 5 मिनट के लिए पकने देंगे। पांच मिनट के बाद गैस की फ्लेम को बंद कर देंगे और लिड को खोल के हम अपने पुलाव को चेक कर लेंगे। तो बिल्कुल ही ये परफेक्ट पके हैं, चावल बिल्कुल ही अच्छे से पक गए हैं। अब आप देख सकते हैं चावल बिल्कुल ही अच्छे से पक गए हैं, बस ऐसे ही हमें चाहिए। तो पुलाव मेरा इस समय बिल्कुल रेडी है, चलिए इसे हम सर्व करते हैं। तो लीजिए पार्टी स्पेशल पुलाव बिल्कुल तैयार है। अब आप इसे किसी भी फंक्शन या पार्टी में बनाकर लोगों का दिल आसानी से जीत सकते हैं और खाने वाले आपकी तारीफ किए बिना रह नहीं पाएंगे। आपने देखा ना इसे बनाना भी कितना आसान है, बस थोड़ी सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो आपका पुलाव बिल्कुल ही स्पेशल पार्टी स्पेशल पुलाव बनके तैयार हो जाएगा। इस पुलाव को आप किसी भी सब्जी के साथ खा सकते हैं, और यदि सब्जी ना भी खाएं, इसे आप सिंपल ऐसे ही सादा खाएं तो भी ये पुलाव बहुत ही टेस्टी लगता है। यदि मेरे पुलाव की ये रेसिपी आपको थोड़ी भी पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। और यदि आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या मेरे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। साइड में जो बेल आइकन होता है उसे भी आप प्रेस कर देंगे तो मेरी आने वाली नई रेसिपी का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसी ही इंटरेस्टिंग सी रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।